बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजय मेंटर। इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं फॉर द मिड टर्म, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन से लेक्चर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और किन लेक्चर्स में से आपका मोस्ट ऑफ द ज़्यादा वेटेज का पेपर आता है। तो वीडियो को शुरू लेकर एंड तक लाजमी देखना है। तुम्हारे पास है बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश 301, इस पर टेबल ऑफ कंटेंट हर पास कोई मिड टर्म जो कंडक्ट होगा वो 1 to 22 लेक्चर्स जो फर्स्ट हैं उनमें से आपको मिड टर्म कंडक्ट होगा, ठीक है। तो बाकी जो पेपर पैटर्न है आप सबको पता है। बहरहाल हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन बेसिक चीज़ें इसके अंदर होंगी, कोई ज़्यादा इसके अंदर लामचोड़ या मैं कह लूँगी ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें इसके अंदर नहीं होंगी, तो बेसिक सारी चीज़ें होंगी। तो बेसिक सा तो आपको सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिक है कम्युनिकेशन पर, तो आपको इन चीज़ों के बारे में जो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपने इसको रीड आउट लाजमी करना है, ठीक है। आपके कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आपके लाजमी इसमें से आ सकते हैं, बहरहाल आपको क्योंकि बेसिक्स है तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास आ रहा है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा कि हम किस तरह कोई भी हमारी जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, हम किस तरह कम्युनिकेट करते हैं और मोस्टली जो बिजनेस कम्युनिकेशन है हम उसको किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं और क्या हमारे जो क्या कहते हैं बिहेवियर्स लेकर एट्रीब्यूट ये वो सारी चीज़ें आपके फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में डिस्कस की हुई होंगी। तो आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह तैयार करना है। लेक्चर नंबर 3 या लेसन नंबर 3 हमारे पास थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। जो थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन भी कतरे हद तक इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर वो थ्योरीज बताई होंगी जो कम्युनिकेशन में डेवलप हुई हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें डिफरेंट थ्योरीज डेवलप हुई हैं ना, हर एक जो ऑथर था जो हर एक जो जिसने कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी, जिसने कम्युनिकेशन को रीड किया, जिसने कम्युनिकेशन को डेवलप किया, तो उसमें थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन होंगी। तो आपका यह भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 4 हमारे पास प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसकंसेप्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपके बिजनेस कम्युनिकेशन है उसको किस तरह प्रमोट करते हैं, किस तरह आप इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन करते हैं, इसका ये वो सारा प्रोसेस के अंदर वो बताया होगा, ठीक है। तो आपने इसको भी रीड करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। लेसन नंबर 5 बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह लूँ उस इस लिहाज से आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे। उसकी वजह यह है कि बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मींस आप जब कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने जाते हैं, उसके बैरियर कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, आप कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करते हैं इसके अंदर। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन मे भी आपका एक आध लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें से आ जाए, तो आपने इसको भी स्किप नहीं करना, लाजमी तैयार करना है। लेक्चर नंबर 6 और 7 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काफ़ी इसमें से आपका एक तो MCQs या एक आध शॉर्ट क्वेश्चन मे भी आ सकता है। MCQs तो आएंगे ही, आपने इसको MCQs के रिलेटेड आपने तैयार करना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती हैं, उनमें कितनी कैटेगरीज होती हैं और वो क्या क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होंगी। अच्छा, आपने ज़्यादा डीप नहीं जाना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो लेक्चर्स हैं उसमें, ज़्यादा डीप नहीं जाना आपने, जो उसकी बेसिक कंसेप्ट है उसको आपने उसको गेन करना है, उसको आपने पकड़ना है कि बेसिक्स कहना क्या जा रहा है इसके अंदर। लेसन नंबर 8 ट्रेड्स ऑफ गुड कम्युनिकेटर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम पहले इसको समझ लें कि ट्रेड्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन के वो कौन से ऐसे इफेक्टिव वेज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम गुड कम्युनिकेशन करते हैं। जो कोई भी गुड कम्युनिकेटर होता है उसके पास कौन कौन से गुण होते हैं, मैं सादे लफ्ज़ में आपको ये कह लूँ, वो कौन कौन से गुण की मदद से या कौन कौन से वेज में वो अच्छी कम्युनिकेशन करता है, तो ये वो सारी चीज़ें करना होगी। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, तैयार करना है। लेसन नंबर 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से आपका ऑलमोस्ट 3-4 MCQs तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, एंड एक आध शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में होगा क्या, क्या आपको बताएगा कि हम किस तरह बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, किस तरह उसको डेवलप करते हैं और क्या वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम एक अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। लेसन नंबर 10 कंसल्टेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको भी आपने तैयार करना है। लेसन नंबर 11 कंसल्टेशन, यार ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी आपने इसको रीड कर लेना है। बेसिक जो कंसेप्ट है वो रीड कर लीजिएगा ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको उसका पता नहीं, आप छोड़ के ना आए, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 और 13 इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, बेसिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, लेकिन आपने फिर भी इसको रीड करना है, स्किप मैं कोई भी चीज़ नहीं कहता, स्किप कर, स्किप कर दो, क्योंकि जो बेसिक जो रीड की हड्डियाँ ना इस चैप्टर की वो ये हैं, तो स्किप करने के लिए मैं नहीं कह सकता, तो आपने बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी इसमें से आएंगे, तो आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, अच्छे से तैयार करना है इसको। लेसन नंबर 15 आपको प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेजेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी वजह है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या कि आपको वो स्ट्रक्चर बताना होगा कि किस तरह हम कोई भी बिजनेस मैसेज है, इफेक्टिव बिजनेस मैसेज किस तरह तैयार करते हैं, तो ये आपने इसको लाजमी तैयार करना है। अच्छा, लेक्चर नंबर 16 एंड 17 द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेजेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों ये, बहुत ज़्यादा आपके ऑलमोस्ट 20% मैं कह लूँ इसमें से आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, अब अपीयरेंस ऑफ डिज़ाइन बिजनेस मैसेज क्या होगा, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कौन सा डिज़ाइन है, ठीक है, जिससे हम एक बिजनेस मैसेज तैयार करते हैं, जब हम बिजनेस मैसेज लिखने जाते हैं तो हम कौन कौन से इफेक्टिव स्टाइल हैं, मैं ये कह लूँ हम वो अपनाते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस मैसेज है, जो हमारा मैसेज है, वो एक इफेक्टिव वे में सामने वाले को इफेक्ट करे। लेक्चर नंबर या लेसन नंबर 18 में कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, अब कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी में क्या होगा, आपके पास आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में हैं, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, डिजिटल दौर में है, आपकी ईमेल हो गया, ठीक है, आपका टेक्स्ट मैसेज हो गया, आपके इस तरह के जो मोस्टली आपका जो फोकस होगा आपकी ईमेल पर होगा, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो जो फोकस होगा ईमेल पर होगा, तो हम किस तरह एक इफेक्टिव ईमेल लिखते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी, तो आपने इसको भी जो बेसिक है वो देख लेना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 में आपके पास बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, अच्छा बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में होगा क्या कि आपको बेसिक तरीका बताएगा कि हम किस तरह एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज होते हैं हम उसको तैयार करते हैं, तो उसको आप रीड कर लीजिएगा, बेसिक आपको पता नहीं चाहिए, इसका आपका शॉर्ट क्वेश्चन या मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा लेक्चर नंबर 20, 21 एंड 22 इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों लेक्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ठीक है, मैं बार बार रीड करूँ, इसमें से 20 एंड 21 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है। लेक्चर नंबर 22 में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेटर राइटिंग प्लेसिंग ऑर्डर, अच्छा अब इसमें बेसिक क्या होगा कि हम जब भी कोई लेटर लिखते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है हम क्या फॉलो करते हैं, हमारा वे कौन सा होता है, हमारा बिहेवियर क्या होता है, हम किस तरह इफेक्टिव ऑर्डर तैयार करते हैं लेटर, जब ऑर्डर लेटर ऑर्डर लिखते वक्त, तो आपका ये लाजमी आपने तैयार करना है। ठीक है, तो ये आपका 22 फर्स्ट लेक्चर है, ये जो मैंने आपको बेसिक बता दी कि आपने जो जो भी हैं वो आपने तैयार करना है। अच्छा, अब मैं वेटेज के हिसाब से बात करूँ थोड़ी सी, तो मे बी अप एंड डाउन चीज़ें हो जाएँ। ठीक है, तो जो मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि इसमें से आपका अच्छा पेपर या ज़्यादा वेटेज का पेपर आ सकता है आपके लेक्चर में, तो वो आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ कि लेसन नंबर 2 को आपने तैयार करना है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज इसमें ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन में आपके शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएंगे। ठीक है जी, अच्छा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में से, अच्छा लेसन नंबर 5 में से बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपका एक आध शॉर्ट क्वेश्चन प्लस आपके एमसीक्यूज इसमें से आएंगे। लेसन नंबर 6, 7 में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहरहाल छोड़ दें इनको आप इसमें से वेटेज में से। अच्छा, ट्रेड्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन लेसन नंबर 8 में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। लेक्चर नंबर 9 में भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है। लेक्चर नंबर 11 में से एक आध एमसीक्यू, दो तीन एमसीक्यू आपके आ सकते हैं। अच्छा, इंटरा कल्चरल कम्युनिकेशन में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इसको तैयार करना है। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि ज़्यादा वेटेज आपकी इसमें आएगी। देन आपके जो मोस्ट वेटेज आएगा वो लेक्चर नंबर 18 में से आपका एक आध लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेक्चर नंबर 20, 21 एंड 22 में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आएंगे, तो आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये आपके थे जी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं कह लूँ आपके ENG 301 के, तो ये थे बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।